पिछले कुछ दिनों से कनाडा के स्टूडेंट वीजा के और टूरिस्ट वीजा विजिटर वीजा के काफी ज्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। जिन लोगों की एप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया है उनको तो पता है कि क्या सक्सेस रेट चल रहा है या क्या अप्रूवल रेट चल रहा है, क्या रिजेक्शन रेट चल रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे करंट जो रिफ्यूजल्स आ रही है वो क्यों आ रही है और किन लोगों की रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है। अगर आने वाले दिनों में आपने अप्लाई करना है तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। वीडियो में बात करेंगे दो कैटेगरीज के बारे में, पहले करेंगे स्टूडेंट्स और फिर करेंगे टूरिस्ट और विजिटर वीजा के बारे में। तो उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग आप हमारे साथ करना चाहते हो, स्टूडेंट वीजा SOP में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। तो गाइस, सबसे पहले इस समय करंट वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कैनेडा का कोटा होता है, ठीक है, कनाडा ने अनाउंस किया था कि उन्होंने इस साल 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स कनाडा में बुलाने हैं, वो PR की एप्लीकेशंस थी। ऐसे ही कनाडा ने TRV जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा बोलते हैं, ठीक है, उसका भी कोटा होता है कि दैट इतने स्टूडेंट वीजा इशू करने हैं, ठीक है, इतने विजिटर वीजा इशू करने हैं, इतने टूरिस्ट वीजा इशू करने हैं। जब किसी चीज की डिमांड कम हो और उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उस चीज का जो डिनाई होना डेफिनेटली वो नेसेसरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट वीजा के रिफ्यूज होने के पीछे रीजन क्या है, क्यों रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है, ठीक है। इस समय अगर सक्सेस रेट की बात करूं, टू बी फ्रैंक, ठीक है, बहुत सारी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आप डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हो, बट अगर बड़े नंबर्स में PPR आ रही है तो बड़े नंबर्स में रिजेक्शंस भी आ रही है, ठीक है। 100 एप्लीकेशन लगी है, जरूरी नहीं है कि 60-70% लोगों का वीजा रहा, नहीं, कुछ दिनों में तो ऐसा भी देखने को मिला है लास्ट 10-15 दिन में कि रिफ्यूजल रेट ज्यादा है, अप्रूवल रेट कम है, इसको कोई एक्सेप्ट करे ना करे उसका वो डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। बट कारण क्या है उसके पीछे, कारण ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो यहां पर जो इंडिया में सोच है लोगों की, वो ये चीज सोचते कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कैनेडा हाई कमीशन तक पहुंचना, ठीक है, अम्बेसी में हमारी फाइल लॉज हो जाए, ठीक है जी, वीजा तो आ ही जाते हैं। ऐसे वीजा नहीं आते गाइस। जब आपको पता है कि कनाडा स्टूडेंट वीजा को लेकर स्ट्रिक्ट हो रहा है, स्ट्रिक्ट कैसे हो रहा है, वीजा कोटा है जो इंडिया का वो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है। लास्ट ईयर आपने देखा कि 2 लाख प्लस वीजा कनाडा ने इश्यू किए, ठीक है, बट नॉन SDS का रिफ्यूजल क्यों इंक्रीज हुआ मैं बताता हूं। पहले क्या था कि SDS में दो कंट्रीज थी, कनाडा और चाइना और इंडिया, ठीक है जी, तो नॉन SDS का जो वीजा सक्सेस रेट था काफी था। बट रिसेंटली आज से काफी समय पहले कनाडा ने क्या किया कि SDS में कुछ और कंट्रीज को इंट्रोड्यूस किया। जब किसी और कंट्रीज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली SDS का सक्सेस रेट अगर बढ़ेगा तो नॉन SDS का सक्सेस रेट डेफिनेटली डिक्रीज होगा, और वहां पर अगर हम कुछ मिस्टेक करेंगे, ठीक है, देन डेफिनेटली हमारा जो डिसीजन है वो नेगेटिव आएगा ही। जैसे कि आपके एकेडेमिक्स वीक होते हैं, कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ही 60+ होती है, ठीक है, वहां पर आपके एकेडेमिक्स वीक होते हैं, आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो वीजा ऑफिसर कहता है कि पर्पस ऑफ विजिट आपका सही नहीं है बिकॉज आप एलिजिबल ही नहीं है, जिस सब्जेक्ट के साथ आपका कोर्स मैच कर रहा है उसमें आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण मुझे लगता है कि आपको जो वीजा है आपका रिफ्यूज कर देना चाहिए। उन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, बट कोशिश ये कीजिए जब भी प्रोफाइल लगाते हैं तो कोर्स रेलिवेंसी बना के लगाएं। दूसरी चीज, जब आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाती है, ठीक है, आप सबमिट करते हो हाई कमीशन में, तो आपकी प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो बहुत मैटर करता है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं। तो मई इंटेक के लिए अप्रूवल्स भी आई है नो डाउट, बट रिफ्यूजल्स भी साथ साथ आ रही है, बट व्हाट नेक्स्ट, उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी जो प्रोफाइल है उसमें जो वीकनेस है प्लीज उसको ढूंढे, देन आप रीअप्लाई करें। क्योंकि वो कहते हैं इफ योर सर्कमस्टेंसेस चेंज देन यू कैन रीअप्लाई, अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हैं तभी आप रीअप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5-7 दिन बाद रीअप्लाई कर देते हो, आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल में कोई वीकनेस नहीं है, देन यू कैन रीअप्लाई एनी टाइम। बट अगर आपको लगता है कि मेरी ये मिस्टेक है, इस कारण मुझे रिफ्यूजल आया, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के कारण रिफ्यूजल आया, देन पहले उस चीज को इंप्रूव कीजिए, देन रीलॉन्च कीजिए। अब बात करेंगे विजिटर और टूरिस्ट वीजा के। सबसे बड़ा मिथ जो चलता है इंडिया में, ठीक है, फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आती है, ठीक है, वो आती भी है क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रोल होता है एप्लीकेंट का भी और एजेंट का भी।
जब आप क्या करते हैं, आपसे 6 मंथ की लास्ट की स्टेटमेंट मांगी जाती है, ठीक है, मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, पिछले काफी सारे दिनों से रिफ्यूजल्स भी देख रहा हूँ, रीजंस भी देख रहा हूँ, और लोगों से जब बात होती है वीडियो कॉल के, ऑडियो कॉल के ऊपर ऑफिस में बात होती है, तो देख के हैरानी होती है। लक ट्राई नहीं करना है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो कैसे आपका वीजा जाएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख की फंडिंग है, राइट, आप उसका सोर्स ही नहीं जस्टिफाई कर पाए, आपकी जो ITR है वो 3 लाख की है, आपकी ITR 4 लाख की, तो ऐसे में वीजा ऑफिसर कैसे कन्वेंस होगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लार्ज डिपॉजिट किए अपने अकाउंट में, यूजली होता क्या है हमारे यहाँ के वीजा से 15-20 दिन पहले 2 लाख 4 लाख आप दिलवा दो, उसकी जस्टिफिकेशन भी ना दो कोई, तो डेफिनेटली जिस अकाउंट में पिछले 3 महीने से 1 लाख के ऊपर बैलेंस नहीं गया तो एकदम कैसे इतना बैलेंस आ गया। तो इन चीजों का प्लीज आप टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा में ध्यान रखिए। और दूसरा चीज, सक्सेस रेट और रिफ्यूजल रेट कैसे इंक्रीज होता है, आपको पता है कि जब एक एप्लीकेंट मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन करता है तो वो सक्सेस रेट और रिफ्यूजल रेट में काउंट होता है। विजिटर वीजा की रिफ्यूजल आ जाती है, आपको बोला जाता है कि आप रीअप्लाई फिर कर दीजिए, वीजा तो लग जाएगा। ये चीज बताइए कि रिफ्यूजल आ गई उसके बाद 5-7 दिन में आपने ऐसे कैसे चेंजेस कर लिए आपकी प्रोफाइल में, जो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में चेंजेस हो गए अभी आपका वीजा लग जाएगा। इतनी कहां से फंडिंग ले आए, क्या आपके सोर्सेस है, तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वीजा आपका अप्रूव नहीं होने वाला, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि रीअप्लाई करने के बाद वीजा नहीं मिलता या तुरंत रीअप्लाई करने के बाद वीजा नहीं मिलता, वो केसेस का केसेस टू केसेस होता है। ऐसे नहीं है कि आपके अकाउंट में जैसे 2 लाख की फंडिंग पड़ी है, ठीक है, कनाडा की टिकट इस समय देखा जाए तो 1.5 लाख प्लस की है, तो बाकी एक्सपेंस कैसे आप जो है उसको उठाएंगे। तो ये काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके कारण वीजा पिछले दिनों में रिफ्यूज हो रहे हैं, आगे भी रिफ्यूज होंगे अगर इनके ऊपर वर्क नहीं करोगे। तो प्लीज इन फैक्टर्स के ऊपर वर्क करो, चाहे स्टूडेंट वीजा है, चाहे विजिटर वीजा है, चाहे टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा वाले क्या करते हैं, होटल बुकिंग उठा के वीजा लगा देते हैं। प्रोफाइल अच्छी है तो आप लगा सकते हो, नो डाउट। अगर प्रोफाइल ही आपकी स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं है, बिजनेस दिखा रहे हो, करंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, आपका जो पैसा है करंट अकाउंट से नहीं सेविंग अकाउंट में आ रहा है, या बिजनेस बेनिफिट्स आपको नहीं आ रहे, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो कैसे आप उस बिजनेस को प्रूफ करोगे। तो काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इन चीज के ऊपर वर्क करो। अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, केस डिस्कशन में नंबर मेरा यहां पर फ्लैश कर रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।